नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रथम चरण में चुनाव है, वहीं चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं जारी की है। राहुल गांधी ने देहरादून में 16 मार्च को एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया था। क्या विपक्ष के मुद्दे हैं और इस चुनाव को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है, इसको लेकर हमारे स्थानीय संपादक अनुपम खत्री ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी प्रत्याशी प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस खास बातचीत के कुछ अंश। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, साथ ही चक्रता के विधायक और इस बार के लोकसभा प्रत्याशी। कांग्रेस को लेकर क्या सोच जनता में है और किस तरह से कांग्रेस भावी योजनाएं बना रही है, आइए कुछ विशेष चर्चा करते हैं प्रीतम सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीतम सिंह जी। आप ये बताएं कि जो इस समय परिवेश चल रहा है, माहौल है भाजपा को लेकर और मोदीत्व को लेकर, उस बीच में कांग्रेस ने ऐसी क्या रणनीति अपनी चुनावी बनाई है जिससे आप जनता के बीच में पहुँच कर जनता को अपनी तरफ रुझाने में कामयाब हो सकते हैं? कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उठा करके देखें, वो जहाँ पर भी सत्ता में रही, जब जब सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जब जब चुनाव हुआ, तो उन्होंने विकास के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ा है। वो तमाम ऐसी चीज़ें इस देश के अंदर करने का काम करती है जिससे आपसी भाईचारा समाप्त हो, जन भावनाएं उद्वेलित हो, उस पर उस रथ पर चुनाव लड़ करके जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन 5 साल का जो केंद्र की सरकार का कार्यकाल है और राज्य के अंदर जो सरकार बनी है उसको भी 2 साल का कार्यकाल है, दोनों ही सरकारों का कार्यकाल घोर निराशाजनक है। मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही सरकारों का जो कार्यकाल अब तक है वो विफलताओं से भरा हुआ है। अगर मैं उसका जिक्र करूँगा तो बहुत लंबी बात होगी और मैं समझता हूँ कि देश के आमजन जो है केंद्र की सरकार को समझ चुके हैं और देख चुके हैं, इसलिए 2019 के इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से लोग जो है इन दोनों ही सरकारों को सबक सिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक सबसे पीछे चल रही है नाम घोषित करने के मामले में, आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उससे ये बड़ा स्पष्ट परिलक्षित हो गया है। जो बात लोग कहते थे कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन अब स्थिति उभर करके ये आई है कि 5 की 5 लोकसभा क्षेत्रों से हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कई मर्तबा उन तमाम चीज़ों को जो है व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम मजबूत प्रत्याशियों को देने का काम करेंगे और जब मजबूत प्रत्याशी हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा जो सीटें हैं उसको जीतने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह जी, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं विपक्ष के पास और देश में राहुल गांधी जी लगातार रैलियां करके सभी मुद्दों पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपके क्षेत्र की विशेष तौर पे बात करें क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक परिवेश भी होता है, तो टिहरी की जनता के बीच आप क्या विशेष लेके जाने वाले हैं? देखिए, विशेष तो 5 साल का कार्यकाल है मोदी सरकार का। आप जरा याद कीजिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, आज जिनको रोजगार था वो भी रोजगार से हाथ धो बैठे, और उल्टा जो है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौजवान साथी पकौड़ा तल करके अपना रोजगार ढूंढने का काम करें। काला धन आएगा, 15 लाख रुपया जमा होगा, 15 लाख रुपया जमा होना तो अलग बात है, दूर की बात है, लेकिन उल्टे जो पैसा हमारा जो है क्या नाम बैंकों में जमा था, उस पैसे पर भी जो है केंद्र की सरकार मोदी सरकार डाका डालने का काम कर रही है। महंगाई का आलम आपके सामने है,
जो गैस सिलेंडर हम 400 में छोड़ के गए थे वो आज 1000 पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई पर इस सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आतंकवाद को समाप्त करने की बात कही थी, आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 56 इंच के सीने का कहीं अता पता नहीं है। आँख में आँख डाल करके बात करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आँख में आँख डाल करके बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नोटबंदी GST लागू करके इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया। इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने पर ये जो है आमादा है। आप देख लीजिए केंद्र के कई मंत्री कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। जिन लोगों का संविधान पर भी विश्वास नहीं है आप जान सकते हैं कैसे लोग हैं। आपके सामने है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खत्म है। CBI के डायरेक्टर को किस तरीके से हटाया गया ये आपके सामने है। इसके साथ साथ जो है सांख्यिकी के 2 अधिकारियों ने इसलिए त्याग पत्र दे दिया कि वो जो बेरोजगारी के आंकड़े उसे प्रकाशित ना करे, ये सरकार का दबाव था। आप देख लीजिए RBI के गवर्नर ने जो है पद छोड़ने का काम किया। तो एक नहीं कई घटनाएं घटित हुई आपके सामने है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह चौपट है और 2 साल का राज्य सरकार का कार्यकाल हुआ आपके सामने। 2017 में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 2 साल हो गए किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा, ब्याज रहित ऋण किसान को नहीं मिल पा रहा है और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। हाँ, जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि के अंदर 13 किसान आत्महत्या करते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये आत्महत्या जो है फैशन है। नोटबंदी GST से आज ही जा करके मंत्री के जनता दरबार में जो है व्यापारी आत्महत्या करने का काम करता है। 3-3 व्यापारियों ने आत्महत्या की, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस बोलने से बात नहीं बनेगी, 0 टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। हम पूछना चाहते हैं प्रदेश की सरकार से, आपने कहा था कि NH-74 की CBI जांच होगी, क्यों CBI जांच नहीं हो रही है? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार CBI जांच से कदम पीछे खींच रही है? आखिर किसको बचाना चाहती है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी और भाजपा के लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि NH-74 का जो विषय है ये कांग्रेस के ज़माने का है और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि CBI जांच कराइए, BJP पीछे हाथ खींच रही है। कहाँ है 0 टॉलरेंस? 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात किसने कही थी? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही थी। कहाँ है लोकायुक्त? 2 साल हो गए कहाँ है लोकायुक्त? लोकायुक्त का आता पता नहीं। सस्ता खाद्यान्न गायब, सस्ती चीनी गायब, सस्ता मिट्टी का तेल गायब, जो पेंशन योजना हमने संचालित की थी वो गायब। ये सरकार तो शराब माफिया और खनन माफियाओं के हाथों में खेल रही है। आप देख लीजिए मोबाइल वैन के माध्यम से घर घर तक शराब पहुंचाने की बात ये सरकार करती है और हरिद्वार के अंदर आप देख लीजिए जहरीली शराब के सेवन से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई और सरकार जो है क्या ना अपने आराम से बैठी हुई। इनके लिए तो ये कहावत है कि रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा। आपकी बात प्रीतम सिंह जी, विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं और आपने सारे मुद्दों पे खुल के बात भी कही है, लेकिन फिर भी भाजपा के पास 168 लिस्ट है नामों की जिसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत लाभान्वित योजनाएं हैं, जनता के बीच में लगातार उसका बहुत प्रचार भी हुआ है और निचले स्तर या मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको इन योजनाओं के बहुत सारे लाभ मिले हैं, ऐसे सरकार के दावे लगातार चल रहे हैं। इस पूरे परिवेश में और 150 से ऊपर योजनाओं के बीच में आप अपनी बात जनता तक किस तरह रख पाएंगे? देखिए आप मुझे बताओ तो ना, एक योजना का तो नाम गिना दीजिए जिस योजना से गरीब आदमी को लाभ मिला है। मैं उस योजना के बारे में जानना तो चाहता हूँ। बताए ना, बात करें, तर्क वितर्क करेंगे। जब वो अपनी बात कहेंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। किसान को जो है 17 रुपये जो है दिन में दे करके भाजपा समझ रही बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की। आप ये बताइए कि 2014 से 2019 के बीच में किसानों के हितों के लिए सरकार ने क्या काम किया, कौन सी योजनाएं लाने का काम किया जिससे किसानों की आय दुगनी करने की बात ये सरकार करती कि 2022 में दुगनी करेंगे। अरे विदाई 2019 में है, बात 2022 की कर रहे हो। किसानों के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति इनकी है। नौजवान साथियों को बताए ना, सरकारी आंकड़े हैं, वो सरकारी आंकड़ों में ये स्पष्ट है कि बेरोजगारों को रोजगार देने में सबसे फिसड्डी जो है ये सरकार रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और देश के प्रधानमंत्री बड़े फख्र से कहते हैं
कि साहब पकौड़ा तल जो नौजवान साथी पकौड़ा तला है, ये रोजगार भी हमने दिया है, पेट्रोल पंप पे जो बेचारा पेट्रोल भरने का काम कर रहा है वो रोजगार भी जो है कि हमने दिया, सीए अगर किसी ने किया जो किसी को रख रहा है वो इस तरह के तो रोजगार की बातें ये गिनाने का कहाँ है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शेर तो बहुत दाड़ रहा था टेलीविजन पर, कहाँ अब कहाँ है वो मेक इन इंडिया, अब तो हमने देखा नहीं वो धारता हुआ शेर जो है। किस इशू को ले बताए ना, उज्ज्वला की बात करते किस बात पे, लोन दे करके आप गैस कनेक्शन बांटने का काम कर रहे हैं, ये एक योजना तो बता दी ने जो गरीब के हित में इस सरकार ने करने का काम किया। रानी राजलक्ष्मी जो है आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में है, उनका अपना एक लंबा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, तो इसे आप क्षेत्र में जब पहुंचेंगे तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं देखिए, आपने रानी साहिबा का जिक्र करा, सही बात है कि उन्होंने लंबे समय तक जो है टिहरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, उनको कह लीजिए उनके परिवार को कह लीजिए काम किया है। अब ये जनता को तय करना है कि भाई जो उन्होंने इतने लंबे समय तक जो टिहरी का प्रतिनिधित्व किया है क्या उनको मिला है, अभी तो जनता तय करेगी। एक आखिरी और बड़ा मुख्य सवाल, विधानसभा के परिणाम भी हमने देखे और लोकसभा के परिणाम भी हमने उत्तराखंड में देखे, भाजपा ने बुरी तरह से कांग्रेस को पटकनी दी थी दोनों ही मोर्चों पे। अब ऐसे में 2019 है और कांग्रेस अपनी पूरी जद्दोजहद करती दिख भी रही है, ये पूरे परिणामों के बाद और जनता में फैले हुए मोदी फैक्टर के बाद उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पांचों सीटों पे किस तरह की योजना कांग्रेस लेके चल रही है और किस तरह उस इस चुनौती का सामना करेगी? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2000 का चुनाव भी जो है जिन मुद्दों पर लड़ा गया उसमें ऐसे मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लड़ने के बाद उन मुद्दों को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सही बात है कि 2017 से पूर्व जो हमारी सरकार थी उस सरकार को केंद्र में बैठी हुई सरकार ने धलबल के आधार पर डिसलॉज करने का काम किया, लेकिन न्यायालय के संरक्षण में हमारी क्या नाम जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, पुनर्बहाल हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सही है कि हम बुरी तरीके से परास्त हुए, हमारी जो विधानसभा में संख्या वो 11 पर आकर के सिमट गई। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप विधानसभा चुनाव के बाद जो नगर निकाय के चुनाव हुआ उस नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई है, और 2019 के इस चुनाव में परिस्थितियां बदल चुकी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भी एक नारा दिया गया था, शाइनिंग इंडिया का नारा, लेकिन सोनिया गांधी जी की अगुवाई में हमने उस शाइनिंग इंडिया के नारे को परास्त करने का काम किया। UPA 1 और UPA 2 सरकार हमने इस देश के अंदर संचालित करने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, हम लोकसभा के चुनाव में मजबूत प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में होंगे और जो प्रत्याशी होंगे वो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस का एक एक साथी उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, और मुझे यकीन है भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग जो है 5 की 5 सीटें कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो लाइव उत्तराखंड के साथ बात करते हुए प्रीतम सिंह जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है, उन्होंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री ने योजनाएं तो बहुत कही लेकिन काम किसी पे नहीं किया, उससे पहले चुनाव एजेंडा जितना भाजपा का रहा वो भी पूरी तरह फेल रहा, किसानों की मौत हुई, बेरोजगारी बढ़ गई और सारी जनता सच्चाई से रूबरू हो गई है। पहाड़ी क्षेत्र बुद्धिजीवी क्षेत्र है, वो जरूर इस बात को समझेगा और कांग्रेस को 5 सीटें दिलवाकर राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारेगा। आने वाला समय बताएगा कि चुनाव क्या परिणाम लाते हैं। लाइव उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी की इन बातचीतों का हम स्वागत करते हैं। लाइव उत्तराखंड से मैं अनुपम खत्री अपने सहयोगियों के साथ।